नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन फैक्ट बाबू पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति में बताई गई ऐसी 5 चीजें जो एक व्यक्ति को बनाती है असफल। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अनुसार सफलता के लिए व्यक्ति को कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। ये चीज़ें सफलता में बाधा के समान होती है, इसलिए इनका त्याग ही बेहतर है। सफल होने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी तैयार रहता है। चाणक्य के अनुसार सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने आप को कुंदन की तरह परिश्रम की भट्टी में तपाता है। जिस प्रकार आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार परिश्रम और संघर्ष से व्यक्ति निखरता है और सफलता को प्राप्त करता है। व्यक्ति से सफलता तब दूर हो जाती है जब उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह दोष स्वयं व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये दोष कब उसकी सफलता में बाधा बन जाए, ये स्वयं व्यक्ति को भी नहीं पता होता। जब तक वह इन कमियों को समझ पाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इन गलत आदतों को हमेशा दूर रहना चाहिए। आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में। नंबर एक पर है, अधिक नींद सफलता से दूर करती है। अधिक नींद लेने से परिश्रमी व्यक्ति को बचना चाहिए। जीवन में लक्ष्य यदि बड़ा है तो नींद का त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को एक योगी की तरह नींद लेनी चाहिए। अधिक नींद व्यक्ति को परिश्रमी बनने से रोकती है। नंबर दो पर है, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि इसे मात दे दी तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्रोध व्यक्ति को हर प्रकार से हानि पहुंचाता है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे और बुरे का सही आंकलन नहीं कर पाता है। क्रोध में व्यक्ति स्वयं से नियंत्रण खो देता है, इसलिए इसका त्याग ही बेहतर है। नंबर तीन पर है, भय से दूर रहे। सफल होने के लिए भय से मुक्ति भी जरूरी है। जब तक व्यक्ति के भीतर भय विराजमान रहेगा, तब तक वह किसी भी कार्य को आरंभ नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसका त्याग कर देना उचित है। नंबर चार पर है, आलस को पास न आने दे। आलस्य व्यक्ति से लक्ष्मी और सफलता दोनों ही दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ही परेशान और निर्धन रहते हैं। आलस सफलता का शत्रु है, इसलिए इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। आलस्य व्यक्ति किसी भी कार्य को समय से पूर्ण नहीं कर पाता है। नंबर पाँच पर है, आज का काम कल पर न टाले। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोग कितने भी योग्य और क्षमतावान ही क्यों न हो, यदि वे समय प्रबंधन के मामले में सतर्क नहीं रहते तो सफलता उनसे दूर रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या हमारी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।